नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे कि ट्रांसफार्मर को मल्टीमीटर की मदद से कैसे टेस्ट करते हैं। अब एक हमारे पास ट्रांसफार्मर है जो हमने यहाँ दिखाया है, ये आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर है। देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में आइसोलेशन है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है 230 वोल्ट की और सेकेंडरी वाइंडिंग है 180 वोल्ट की और उसमें एक टैपिंग है 160 वोल्ट। तो इसको हमें मल्टीमीटर से टेस्ट करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज़ों का हम रेजिस्टेंस देखते हैं मल्टीमीटर से। एक देखते हैं प्राइमरी वाइंडिंग का। ये प्राइमरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होगा वो जीरो नहीं होगा। जब आप मेजर करेंगे तो चूंकि काफ़ी लंबा वायर होता है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस आएगा, वो हमने लिखा है पी। इसी प्रकार सेकेंडरी वाइंडिंग का S1 और S2, S1 का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, S2 का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका भी हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इसका भी रेजिस्टेंस जीरो नहीं आएगा, ये शॉर्ट नहीं होता है, क्योंकि लंबा वायर होता है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद हम चेक करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में रेजिस्टेंस। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में ओपन है तो ये ओपन आना चाहिए। अगर खराब होगा या इंसुलेशन फेल हो गया है तो शॉर्ट आ जाएगा या कुछ और वैल्यू आएगी। फिर प्राइमरी और कोर के बीच में, ये कोर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, तो प्राइमरी वाइंडिंग और कोर के बीच में भी हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, वो भी ओपन आना चाहिए। इसका इंसुलेशन अगर ख़राब है तो ये कॉपर वायर कोर से शॉर्ट हो जाएगा। फिर है सेकेंडरी और कोर के बीच में, सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये कोर है, इसके बीच में हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, वो भी ओपन आना चाहिए। तो ये तीनों रेजिस्टेंस ओपन आने चाहिए और इनकी कुछ वैल्यू आएगी, वो डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर पर। अब यहाँ पे हमने अपना मल्टीमीटर प्राइमरी वाइंडिंग में लगा रखा है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी का ये कॉमन है और ये दो, ये येलो वाला ये है और ये ब्लैक वाला ये है। तो अभी हमने इसके क्रॉस लगा रखा है, ये रीडिंग पड़ा है 60.3 ओम, मतलब इस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू है 65.3 ओम। तो हम लिख देते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक और ट्रांसफार्मर है, ये छोटे साइज का है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेक करेंगे, देखें क्या आती है। ये देखिए शो कर रहा है ओपन। ओपन का मतलब ये नहीं कि खराब है, इसका मतलब है कि इसके क्रॉस रेजिस्टेंस ये 200 पे हमने सेट कर रखा है, इससे ज्यादा है, इसको हम बढ़ा देते हैं। अब देखिए आ गया 920 ओम, यहाँ पे आ रही थी 65 ओम, इसका आ रहा है 919 ओम करीब। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू प्राइमरी की यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये छोटा ट्रांसफार्मर है और ये थोड़ा कम क्वालिटी का भी है, ये अच्छी क्वालिटी का ट्रांसफार्मर है। तो ये वैल्यू 1 किलो ओम से ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप यहाँ पे 200 ओम पे सेटिंग रख के देखें, ओपन है तो इसका मतलब नहीं कि ट्रांसफार्मर ख़राब है, आपको स्केलिंग बढ़ानी पड़ेगी और इसका देखना पड़ेगा कितना वैल्यू है। अगर खराब होगा तो बिल्कुल ओपन आएगा ये। अब हमने अपना मल्टीमीटर सेकेंडरी में लगा दिया, यहाँ और यहाँ के बीच में। देखिए ये वैल्यू पड़ रहा है 59 ओम, तो हम लिख देते हैं 59 ओम, मतलब ये ठीक है। अब हमने मल्टीमीटर का टर्मिनल यहाँ से यहाँ कर दिया, यहाँ लगा दिया इसके और इसके बीच में, ये वैल्यू पड़ रहा है 51 ओम। तो आप देखिए, जितना टर्न ज़्यादा है उतना रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ टर्न सबसे ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यहाँ टर्न सबसे कम है तो इसकी वैल्यू सबसे कम है। देखिए यहाँ पर टर्न बहुत ही कम है, यहाँ भी हम लगा के आपको दिखाते हैं। देखिए हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ पर टर्न बहुत कम है, करीब 20 वोल्ट है ये वाइंडिंग, यहाँ सिर्फ 8 ओम आ रहा है।
तो जितना वाइंडिंग के टर्न कम होंगे उतना रेजिस्टेंस कम आएगा। अब हम ये टेस्ट कर रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी। देखिए प्राइमरी में एक टर्मिनल लगा दिया और सेकेंडरी में दूसरा टर्मिनल लगा दिया, एक हमने यहाँ लगाया है और एक यहाँ लगाया है, ये ओपन शो कर रहा है, मगर ये स्केल है 2 किलो ओम में। मैं स्केल बढ़ा देता हूँ, सबसे ज़्यादा पे कर देता हूँ, ये 2000 किलो ओम पे स्केल आ गया, फिर भी ओपन शो कर रहा है। तो ओपन चेक करने के लिए आपको रेजिस्टेंस का जो स्केल है सबसे ज़्यादा पे रखना पड़ेगा। अब हम मेजर करेंगे इसके और कोर के बीच में, ये प्राइमरी है ये कोर है। ये जो नट लगा है ये कोर से लगा है हमारा, देखिए ओपन आ रहा है। ये हमारे ट्रांसफार्मर में जो कोर है उसको एक टर्मिनल ला के यहाँ आर्थिंग दिखा दिया है, देखिए मतलब कोर आर्थ करनी पड़ती है। अच्छे ये इंडस्ट्रियल ग्रेड का ट्रांसफार्मर है, इसको ऐसे ही बनाते हैं। तो देखिए इसके और कोर के बीच में ओपन आ रहा है, ओपन। अब हम सेकेंडरी और कोर के बीच में देखेंगे, ये सेकेंडरी है, ये देखिए सेकेंडरी और कोर के बीच में ये भी ओपन आ रहा है। तो ये तीनों ओपन आ रहे हैं और ये तीनों सम वैल्यू आ रही हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में ओपन इसलिए आ रहा है क्योंकि अलग अलग हैं, लेकिन अगर ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये देखिए ऑटो है, ऑटो में प्राइमरी और सेकेंडरी में आइसोलेशन नहीं होता, तो वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी में ओपन नहीं आएगा, वैल्यू आएगी और थोड़ी वैल्यू आएगी। इस प्रकार से 6 रेजिस्टेंस मेजर करके हम चेक कर सकते हैं कि इसका इंसुलेशन फेलर कहीं है या नहीं। अब इसका टर्न रेशियो देखने के लिए मल्टीमीटर से नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें सप्लाई देनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि प्राइमरी में एसी दे देते हैं। कितना वोल्टेज देना है ये ट्रांसफार्मर पर डिपेंड करता है, जैसे यहाँ 230 वोल्ट का है तो हम 230 वोल्ट देंगे, आप 10 वोल्ट भी दे सकते हैं, वोल्टेज कम दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और सेकेंडरी में यहाँ पर हम वोल्टेज मेजर करते हैं, ये मल्टीमीटर है, ये वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो हमें वोल्टेज आ जाएगा। तो ये वोल्टेज यहाँ पे भी एक मीटर लगा देंगे, ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये वोल्टेज टर्न रेशियो आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी वाइंडिंग के लिए हम यहाँ मल्टीमीटर लगा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ कितना वोल्टेज है, यहाँ पे कितना वोल्टेज था, रेशियो से हमें टर्न रेशियो मिल जाएगा। ये जो टेस्टिंग है ये आपके लैब के लिए या घर के लिए है, जहाँ ट्रांसफार्मर बनाते हैं वहाँ बहुत सारे टेस्ट करते हैं। ये तो खाली हम देख रहे हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर फेल तो नहीं हो गया। आज यहीं समाप्त करते हैं।